रूस और यूक्रेन की जंग को शुरू हुए लगभग 4 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक इसमें कोई निर्णायक फैसला नहीं आया है। हालांकि रूस की सेना ने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया है और देश के पूर्वी हिस्सों में एक बड़े इलाके पर अपना कब्जा भी जमा लिया है। ब्रिटिश और यूक्रेनी सैन्य प्रमुखों द्वारा दी गई ताजा जानकारी के मुताबिक रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के इलाके में अपनी पकड़ का विस्तार करते हुए गुरुवार को 2 गांवों पर कब्जा कर लिया है। सैन्य प्रमुखों के मुताबिक रूस इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण हाईवे पर भी कब्जा करना चाहता है ताकि यूक्रेनी सैनिकों को राशन आदि की सप्लाई रोकी जा सके और उनकी घेराबंदी की जा सके। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेनी सैनिकों को लाइसीचांस्क शहर के नजदीक कुछ इलाकों से पीछे हटा लिया गया है ताकि घेराबंदी की आशंका को टाला जा सके। रूस ने इस इलाके में अपने सैनिक भेज दिए हैं जो गोलाबारी कर रहे हैं। ये इलाका यूक्रेन और रूस की लड़ाई में सबसे नया जंग का मैदान बन गया है।